गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स वक्त अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे अच्छे कंटेंट मिल सके। आज हम पढ़ने वाले हैं 27 नवंबर 2020 की जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस के लिए, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप में मतलब कि जो एग्जाम होता 15 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के लिए कैसे पूछे गए थे, ये समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का जो गुणनफल योगफल है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल है 2426 है और एक संख्या का वर्गमूल, एक संख्या का जो वर्गमूल है वो 7 है, तो दूसरी संख्या बतानी है हमको, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2426 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या है। दूसरी संख्या हमको बताने, दूसरी संख्या क्या दी गई है। दिल्ली पुलिस 2020 का जो सवाल है, सेकंड शिफ्ट नवंबर 27 नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, देखो भाई किस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। मान के चलो हमारे पास कोई संख्या दी गई, दो संख्या हमारे पास दी गई है, क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्या हमारे पास जो दी गई है, दो संख्या हमारे पास क्या क्या है, दो संख्या का योग वर्गों का योग है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 2426 हमको दे रखा है। कितना दे रखा है, 2426 हमको क्वेश्चन में योग पर दे रखा है। अब कहता है कि क्वेश्चन में कहा है कि जो उनके एक एक कोई एक संख्या है, कोई संख्या है हमारे पास, उस संख्या का जो वर्ग है वो, उस संख्या का जो वर्ग है वो 7 के बराबर है। कितने बराबर है, 7 के बराबर है। मान के चलो रूट ए इक्वल टू 7 के बराबर है। वर्गमूल की बात की गई हमसे, किसकी बात की गई हमसे, वर्गमूल की बात की गई, किसकी वर्ग बात की गई बच्चों, देखो वर्गमूल की बात हमसे की गई है, किसकी वर्गमूल की हमसे बात की गई है, वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल की बात से क्या है, वर्गमूल हमारे पास 7 दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल स्क्वायर वर्गों का योगफल इतना है, वर्गमूल इतना दिया गया, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। दोनों पद आपका स्क्वायर रूट कर लेते हैं हम, ए होगा इस पर का रूट करेंगे 7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा 49, ए बराबर हमारे पास कितना आ चुका है, 49 हमारे पास आ चुका है, ए बराबर हमारे पास 49 आ चुका है, इस प्रकार हमने यहाँ तक हम पहुंचे, 49 तक हम पहुंच चुके हैं। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम यहाँ तक पहुंचेंगे, 49 हमारे पास हो चुका है, इसके बाद क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू हमने 49 हमारे पास आ चुकी है, ए की वैल्यू 49 आई, अब ए की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है भाई, करो क्या आ जाएगा था, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, 49 का स्क्वायर प्लस के बी, बी की स्क्वायर हमारे पास कितना दे रखा, 2426 हमारे पास इतना डाटा हमारे पास कैलकुलेट करके आया है, इसका स्क्वायर हम करेंगे 9 का 84 का 16, तो कितना आगा 2401, 2401 प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आगा भाई 2426 हमारे पास आ चुका है, तो बी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 2426 माइनस के 2401 कितना आगा हमारे पास 25 बच चुका है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आया, 25 हमारे पास निकल के आ चुका है बी स्क्वायर इक्वल टू, तो बी इक्वल टू हमारे पास कितना आया है भैया 5, बी इक्वल टू 5 हमारे पास आ चुका है। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आपके सामने है कितना है, 5 आया है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन पर जल्दी पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, चक्रवर्ती साधारण ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज का सवाल आपके सामने दिया गया है। एक राशि जो है 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करके एक वर्ष के अंत में 20,280 रुपये, आपको स्क्रीन क्वेश्चन दिख रहा हूँ, 20,280 रुपये आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है भैया, इसने कहा यदि दर जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सेटित होता है तो वर्ष समान राशि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज की दर पूर्व के समान, तो जितनी दर हमारे पास पहले दर हमारे पास दी गई, इतनी दर हमारे पास दी गई हो तो ब्याज वार्षिक रूप से सेटित होगा, जो हमारे पास ब्याज हो बता देगा। क्वेश्चन में क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन में हमको निकालना है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, 8% के दर दी गई, देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है आर इक्वल टू 8%। ठीक है भाई, हमको क्या कहा गया है भैया, अब की बार जो अमाउंट हमारे पास क्या दिया गया है,
20,280 हमारे पास अमाउंट दिया गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो टाइम है जो समय है वो अर्धवार्षिक रूप से होता है, एक वर्ष के अंत में हमको इतने रुपए तो प्राप्त होते हैं, इतने रुपए प्राप्त हो गए अंत के, हमें क्या कहता है क्वेश्चन में, तो अर्धवार्षिक रूप से टाइम कितना होगा 2 साल, तो इसको 2 से डिवाइड हम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा, 4% हमारे पास आ चुका है, 4% हमारे पास निकल के आया फाइनली सॉल्यूशन इसका जो है अदर का। इसके बाद क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया पी अमाउंट ए 4% के बराबर, कहीं के बराबर होता है 4% हमारे पास, 4% बराबर होता है 1/25 के बराबर, कहीं के बराबर होता है भैया 4% कहीं के बराबर होता है 1/25 के बराबर होता है। इसके बाद क्या करेंगे हम, 25 रेशो 26 इतना हमारे पास कैलकुलेटर होकर यहाँ पे आ चुका है, तो हमें कितना निकालना भाई 625 होगा रेशो, कितना होगा हमारे पास 676 होगा, कितना आगा हमारे पास 676 हमारे पास आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि इन जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, अमाउंट दिया गया वैल्यू कितने की वैल्यू दी गई है, तो हमको क्या मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन जो मूलधन हमारे पास आया है उसी का हमको क्या निकालना, ब्याज निकालना है। ठीक है भैया, क्या करेंगे देखो, अब इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मूलधन हमको निकालना है 20,280 अपॉन में कितना आगा भाई 676, अमाउंट की वैल्यू ये थी 676 गुणा में कितना आगा भाई 625। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं भाई, डिवाइड किया 6 × 12 = 36 तीन बार कट गया, 30 बार कट चुका है, तो पी इक्वल टू हमारे पास कितना आगा 625 गुणा में कितना आगा भाई हमारे पास 30, तो 3 × 15 = 3 × 15 = 5 × 3 × 6 = 36 हमारे पास जो मूलधन निकल के आया है, हमारे पास जो मूलधन आया कितना हमारे पास मूलधन आ चुका है, देखो मूलधन हमारे पास 18,750 रुपये हमारे पास मूलधन आ चुका है, फाइनली ये निकल के आया है। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो दर हमारे पास दी गई है उसको सेमैद रखने के बाद 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं हम। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 8% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, कैसे करेंगे देखो भैया, अब इतना हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसके बाद पी हमारे पास ए हमारे पास आ चुका है, इसको हम लिख सकते 8% को हम दर कितनी लिख सकते हैं, देखो 8% को 8% बराबर लिख सकते हैं 2/25, 2/25 लिख सकते हैं, 4 से कटेंगे 4 × 2 = 8 4 × 25 बार, तो 25 से यहाँ पर पहुंचो 25 27 इतना हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या बच के आता है, 25 × 625 होगा 729 होगा, मल्टीप्लाई 2 था हमने इसमें कर दी, 9 में 5 गए 4 बच गए, यहाँ रह गए 2 में 2 गए 0 1 और 6 104 हमारे पास निकल के आया, कितना डाटा हमारे पास यहाँ पे निकल के आया, देखो भाई कितना डाटा हमारे पास निकल, 104 हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुका है, 104 हमारे पास निकल के आ चुका है, 104 हमारे पास यहाँ पे निकल के आया, सी आई किसकी वैल्यू है, सी आई की वैल्यू है हमको निकालनी है, सी आई निकालना है, निकाल लेंगे भाई, देखो सी आई इक्वल टू 18,750 अपॉन में कितना आ गया भाई 625, 625 अब गुणा में कितना आ गया हमारे पास 104 आ गया, 104 हमारे पास आ चुका है, 104 हमारे पास इतना हमारे पास आ चुका है निकल कर। ठीक है, अब जाता है 625 से इसको हमने कितनी बार डिवाइड किया, 30 बार गुणा करेंगे, 30 बार मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 104 गुणा में कितना आ गया 30 आ गया, 10 सेम है हमारे पास है, 3 × 12 = 2 × 3 = 0 = 1 आएगा हमारे पास, और 3 × 3 = 3,320 इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आ चुका है, कितना आंसर हमारे पास आया 3,320 उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। देखो किस प्रकार से हमने कितने अच्छे तरीके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया है, तो ठीक है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या कहता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया, स्क्रीन पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया, क्या कहता है, एक दुकानदार को, कोई दुकानदार है हमारे पास, एक दुकानदार को अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिकांकित करता है, जो सामान है हमारे पास उसे 20% अंकित करता है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि वह अंकित मूल्य पर 3/4 भाग को बेच देता है, अंकित मूल्य तो हमारे पास को 3/4 भाग को उसने बेच दिया, शेष को 1/4 भाग पर बेचता है और 70% मतलब 30% की छूट देता है, कितना 30% के हमारे पास छूट देता है, तो लाभ बताना कितने रुपए का होगा, दिल्ली पुलिस का सवाल है भाई, अच्छा सवाल आपके सामने दिया गया। ठीक है भाई, कैसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को देखो भाई, कैसे कैसे हम समझ सकते हैं, हमें क्वेश्चन कहता है कि एक क्वेश्चन में क्रय मूल्य जो 30% अधिक दिया गया, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सीपी एमपी और भाई साहब एसपी हम लिखते हैं, ये हमने 3 फॉर्मेट अपने आप में बनाए हैं, हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहता है कि सीपी हमेशा हम अपने 100 मानते हैं,
क्वेश्चन है कहा कि एक 20% जो अंकित मूल्य अधिक अंकित करता है। लो भाई साहब हमने 20% अंकित अधिक कर दिया तो 120 हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में कहता कि अंकित मूल्य पर 3/4 वस्तु को बेच देता है, 3/4 वस्तु मैंने बेची अंकित मूल्य। देखो 120 हमारे पास अंकित मूल्य है, 3/4 हमने वस्तु इसको बेच दी, 3/4 हमने इसको क्या कर दी वस्तु हमने इसको बेच दी भैया, इतना हम यहाँ तक आ चुके हैं। 1/4 हमारे पास जब बच गई तो कितने क्या कह रहा है 70%, 30% की छूट देता है 70/ में, इतना भी लिख सकते हम तो हम इसको क्या लिख सकते 10/10 भी लिख सकते हम इसको, इतना लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं आगा। इसके बाद पूछो भाई, हाँ भाई 10 से भाई साहब 10 हमारी चली गई 4 से कितनी बार भाई 3 बार चला गया, तो 3 × 9 = 63/4 एक मिनट रुको भाई थोड़ा मिस्टेक होगी, ऐसे नहीं बढ़ने का गलत कर दिया थोड़ा, नेक्स्ट लिख दिया। देखो 3/4 हमने निकाला, 4 × 3 = 3 × 90 तो यहाँ कितना आया हमारे पास 90 आ चुका है, 90 हमारे पास SP आ चुका है ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में एक बात और बोली है, क्वेश्चन में कहता है जो हमारे पास शेष बचा है, जो हमारे पास शेष हमारे पास निकल के बचा है, शेष हमारे पास जो आया शेष वैल्यू हमारे पास उसका जो शेष का अंकित मूल्य बस 30% की छूट जाती है, शेष की जो अंकित मूल्य 30% की छूट दी जाती है हमारे पास ठीक है, इतनी वैल्यू हमें दी गई है तो हमारे पास 120 तो था ही भाई अंकित मूल्य। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है जो हमारे पास शेष बचेगा 3/4 हमने खर्च कर चुके हैं, हम 3/4 में से देखो 1 से ही 1/3 तो कितना बचेगा हमारे पास 1/4 बचेगा, गुणा में कर दिया हमने 1/4 हमारे पास आ चुका है निकल के फाइनली। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसका 70% तो 70% को हम 7/10 लिख सकते हैं भैया, हमने लिख दिया नहीं लिख दिया, एक बार बताओ आपने लिख दिया, तो लिख दिया 4 × 10 = 4 से कितनी बार भाई 3 हमारे पास चला गया तो कितना निकल गया 21 हमारे पास निकल गया, आधा भाग हमारे पास 90 था। देखो SP जो हमारे पास निकल गया था SP के उसने भाई 2 पार्ट कर रखे थे, 2 पार्ट, एक हमारे पास 90 था एक हमारे पास 21 था, एक आधे की बात करना, इसने कहा कि 3/4 भाग 90 है और वो शेष भाग का 30% के छूट पर हमारे पास 21 दिया गया था, इतना आगे हमारे पास स्कोर निकल के तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू कितनी आई है भैया 111 आ गई। अब क्वेश्चन में कहता है कि लाभ कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ है, ठीक है लाभ निकाल लेंगे ठीक है भाई, हमारे पास ये कितना है 100 है, ये कितना 111 है तो लाभ हम निकाल लेते हैं, प्रॉफिट कितना निकालेंगे भाई 11/ में कितना आएगा 100 CP और गुणा होने 100 मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद क्या करेंगे हम देखो 100 से 100 कैंसिल हमने कर दिया, कितना 11% क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12 21 और 35 से विभाजित हो जाती है, अब उसके विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। क्या कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12 21 और 35 से विभाजित हो जाने पर समान शेषफल 2 हमें प्राप्त होता है, क्वेश्चन हमको ये पता चलेगा। अच्छा सवाल देखा है दिल्ली पुलिस 2020 का एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं देखो आगे पहुंचोगे। कहता है क्वेश्चन हमारे पास 3 हमारे पास करंट वैल्यू दी गई है, एक हमारे पास 12 है, एक हमारे पास भैया 21 है, एक हमारे पास 35 है। अब हम तीनों का LCM ले लेंगे, तीनों का अगर LCM ले लेते हैं तो हमको चल जाएगा पता कितनी वैल्यू हो सकती है, 2 × 2 आप डायरेक्ट ले लो ना, 4 × 3 7 × 3 7 × 5 ये हमारे पास LCM की वैल्यू निकल के आ चुकी है, 3 कॉमन है 3 बनाया, 7 को बनाया 7 बनाया, 4 और 5 सिंगल हमारे पास अलग से बच गए, 4-5 सिंगल वन से बच गए तो क्या करेंगे देखो भाई 7 × 3 + 7 × 3 आएगा गुणा में 5 और गुणा में आएगा 4, वैल्यू आएगी 7 × 21 = 105 420 हमारे पास LCM आएगा, LCM हमारे पास कितना है, LCM हमारे पास कितना है भाई 420, इसका LCM आ चुका है। अब कहता है कि 420 LCM आ रहा है, क्वेश्चन में कहता है कि शेषफल जो है 2/2 इनसे किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेषफल 2 बचता है, क्या बचता है शेषफल हमारे पास 2 बचता है, 2 हमारे पास शेषफल बचता है तो क्वेश्चन हमारे पास जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, तो 420 में भाई डिवाइड कर दो, 420 + 2 ऐड करते हैं तो 422
400 वही सब संख्या होगी जो इन सभी से डिवाइड होने के बाद दो शेष पर हमारे पास बचेगा। अब डिवाइड करते हैं लोग 12 33 छह बज के होकर फैसला 12 5 60 दो शेष पर हमारे पास बचना ही बचना है। ठीक है भाई, इतना हमने कर लिया, तो इस क्वेश्चन को नोट में नोट डाउन करो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करते हैं, ए जो है 5% साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 9000 रुपए की राशि उधार लेता है। ठीक है, वह इसे बी को 7% साधारण ब्याज 3 वर्ष से उधार देता है। ए ने 5% पर 9000 रुपए 3 साल के लिए उसने बी को उधार दी थी भाई साहब 7% की दर पर से दे दिए 9000 रुपए उधार देते 3 वर्ष के लिए, तो उनका जो ब्याज है, तो ब्याज का जो अंतर है, जो उसको लाभ, जिसने जो पहले पैसे वैसे लिए थे उसका लाभ बताना कितने रुपए का हमारे पास होगा भैया। देखो भाई, जो ए की वैल्यू दी गई थी हमारे पास, ये हमने इतनी कैटेगरी को समझा है, जिसने हमारे पास कैटेगरी आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर दी गई है, ए 5% में 9000 रुपए लेता 3 साल के, बी को वही, जो बी भाई साहब है, बी को वही पैसे देता है 9000 रुपए 7% पे 3 वर्ष के लिए, तो उनका जो लाभ है, जो ए ने जो लाभ कमाया बी से, वो कितने रुपए का, ये बताओ। ए की जो भाई परसेंट थी, ए का डाटा देखो पहले, तो ए का जो आर दिया गया था हमारे पास 5% थे, मूलधन भाई साहब 9000 रुपए थे, टाइम इसका 3 साल था दोनों का। जो बी भाई साहब थे, आर की जो परसेंट थी वो 7% थी, मूलधन भाई साहब 9000 सेम था, और टी भी भाई साहब 3000, तीन साल का टाइम बिल्कुल बराबर दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन में क्या करता है, देखो हमको पता है एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एसआई का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एसआई हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको एक मेथड पढ़ा था बालियान मेथड के नाम से, मैंने आपको एक पढ़ा था बालियान मेथड, क्या था, पी आर टी एस आई इंटू ए, ये हमारे पास बालियान मेथड था। ठीक है भाई, ये था, कोई बात नहीं, पी हमारे पास हमारे 100 मानना है, और हमारे पास पहले वाली 5 दे रखी, 3 साल दे रखा, तो 5 × 3 = 15 हमारे पास होगा भाई साहब, ये 15 हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा, हमारे पास 115 होगा हमारे पास अमाउंट। इस प्रकार से हम ऐसे निकालते थे, ये मैंने आपको बॉलियन मेथड बताया था किस प्रकार हम बॉलियन मेथड का यूज करते हैं। देखो किस तरीके से बॉलियन मेथड का यूज होगा, देखो हमारे पास मूलधन दिया है, तो हम आपको ऐसा ही निकालना है, पहले का ए का जो है ऐसा ही निकालना आपको, ए का ऐसा ही कैसे निकालेंगे, तो 9000 अपॉन में कितना आएगा 100 गुणा में ऐसा ही कितना है पहले का 15 दे रखा, पहले का ऐसा ही हमारे पास कितना दिया 15 हमारे पास पहले का ऐसा ही है, हम इसको 2 × 9 = 45 कितना होगा 9 बजे होंगे 45 1 × 0 = 450 रुपये का होगा हमारे पास, ये कितना आएगा भाई, इतना इतना आएगा भैया, हाँ इतना हमें 450 रुपये हमारे पास पहले का ऐसा ही हमारे पास आ चुका है। ठीक है भाई, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक मिनट 15 × 2 भाई 135 होता है, 1350 आएगा, ए का ऐसा ही आया 1350 रुपये, कितना भाई ए का ऐसा ही 1350 रुपये। अब बी की वैल्यू हमको निकालनी है भाई, बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 15, यहाँ पे कितने आई सी 7% दे रखा है यहाँ पे बस, ओनली यहाँ कितना हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा, 21 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 21 हमारे पास आता तो 90 गुना में कितना करते हैं 21, 21 नौमा कितना होता है 189 होता है, तो 90 हो गए हमारे पास, कितना आया आंसर 1890 माइनस के कितना आएगा 1350, 0 × 9 = 5 = 4 आ गए, और यहाँ कितना है 18 × 3 = 5, तो क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हमारे पास कितना है 540। इस क्वेश्चन का जो लाभ हुआ है उनको, जो लाभ हुआ है इस क्वेश्चन में कितना 540 रुपए का उनको दोनों को लाभ हो चुका है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है आपको भैया, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है और उसका जो विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है, 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखी, 12 सेंटीमीटर हमारे पास विकर्ण दे दिया गया है, तो किस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा, देखो भाई कैसे कैसे हम कर सकते हैं भैया। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई सबसे पहले हम एक आपको फिगर के साथ समझाओ, या समझाओ, देखो फिगर के साथ ही मैं आपको समझाता हूँ, फिगर के साथ हम इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे, फिगर के साथ हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो भाई फिगर हमारे पास क्या बनाएंगे, फिगर हम समचतुर्भुज हम बना देते हैं, ये हमारे पास ओ, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी और वैसा डी, इस प्रकार हमने इसको नाम दे दिया है। अब ये कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो इसकी भुजा है, मान लो ये ट्रायंगल है
आप इस ट्रायंगल पर रेक्टेंगल पर फोकस करो। हमारे पास ट्रायंगल दे रखा समचतुर्भुज की बात चल रही है, दो एक भुजा हमारे पास कितनी 10 दे रखी, तो उसका विकर्ण बंधन दे रखा है द्वारा, तो हमारे पास 10 भुजाएं होगी, 10 भुजाएं होगी, सेम हमने भुजा मान ली समचतुर्भुज में, कौन सा समचतुर्भुज होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, देखो भाई इसका हम क्या सेम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पहला ऐसे ही करो, सबको ऐड करेंगे 10 + 12 20 और 20 और 22 यहाँ 20 हो गए, 20 + 10 = 32 हो गए, 32/2 भी है भाई साहब, 32/2 कितना आ गया 16, हमारे पास सेम पेरीमीटर आ चुका है, कितना है भाई हमारे पास सेम पेरीमीटर 16 आ चुका है। तो हमें पास अक्ष एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हीरोद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हीरोद फॉर्मूला, हम लिख सकते हैं s × s − k a, s − k b, s − k c, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पुट करेंगे, 16 हमने यहाँ पे लिखा, s की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, सेम पैरामीटर पैरामीटर 16 भुज में दी गई है, पहले 10 करें हमने यहाँ पे किया, सबसे पहले 16 तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, 16 में से भाई a 10 घटाया हमने, 16 में 10 जा कितने बज के 6 गुणा 6 एस 16 में 4 बजे आगे हमारे पास, तो वैल्यू हमने रूट के अंडर वैल्यू बताती गई थी, हमारे पास 16 आया तो 4 बार 2 6 दे रखे तो 1 6 बार 2 4 दे रखा तो 2 बार कितना आ गया भाई 6 × 24 = 48 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। ये हमारे पास इस वाले ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल जो हमने निकाला है, इस वाले ट्रायंगल का हमारे पास एरिया आ चुका है कितना 48 सेंटीमीटर। हमको पूरे समचतुर्भुज का निकालना है, क्या निकालना है हमारे पास चतुर्भुज बनेगा, ये वाला जो हमारे पास चतुर्भुज है ये एबीसी वाला चतुर्भुज हमारे पास जो दिया गया, इसका हमको निकालना है। क्या करेंगे, अगर एक सिंगल का हमारे पास 48 आया है तो भाई साहब इतना ही है निकला, तो डबल कर देंगे, तो भाई समचतुर्भुज का जो अक्षीय क्षेत्रफल हमारे पास होगा 2 × 48 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे क्या, पहले हमने इन दो को का इसको हमने निकाल लिया, इसके बाद हम इसका दुगुना कर दे तो 48 × 96 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से हमने समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए बी की तुलना में जो ए भाई साहब ए बी की तुलना में 5 गुना अच्छा कार्य करता है, तो इसलिए ए गुना 5 गुना अच्छा कार्य करता है, इसलिए एक कार्य को बी ए से 52 दिन कम में करता है, भैया ठीक है करता है, तो वे कार्य को एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे, सवाल है ये वाला भैया, ठीक है। देखो ए भाई साहब जो है ए बी के 5 गुना अच्छा काम करता है, 5 गुना कुशल है, ठीक है भाई 5 गुना कुशल होगा, ए जो है बी से 5 गुना कुशल है, तो जो बी है वो ए से 52 दिन कम में कार्य करता है, तो दोनों जो मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, सवाल है। देखो हमारे पास कहता है ए भाई साहब ये हो गए बी भाई साहब, यह होगी एफिशिएंसी होगी ये वाली, कितना है 5 गुना कम में, अब आ जाए टाइम चेंजिंग, टाइम जो उसका रेसिप्रोकल होता है तो 1/5 हमारे पास आ चुका है, इतने हमने वैल्यू कूट यहाँ पे की है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कैसे करना है, इन दोनों का हम अंतर लेंगे कितना आगा 4 आ गया, हमारे पास काम कितने दिन में होता, बी जो है भाई साहब 52 दिन में काम 52 दिन कम में काम कर रहा था बी, ठीक है, तो कितने दिन में काम कर रहा 52 दिन, तो ए की वैल्यू हमको निकालनी है 52/4 × 1, ए की वैल्यू आएगी 13, बी की वैल्यू कितनी निकालनी भाई 52/4 × 1 कितना आएगा 5 आएगा भाई, 13×5 = 65, हमारे पास 65 दो हमारे पास वैल्यू, ए की वैल्यू इतनी बी की वैल्यू इतनी, तो दोनों का हमने एलसीएम लिया 65 हमारे पास होगा, 13×5 = 65, तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे भाई 65/6 कितना आएगा भाई 6 हमारे पास निकलगा, 11 × 6 समझोगा 10 हमने ब्रैक निकाला 5/6 इस क्वेश्चन का, 10 से ही 5/6 इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आपके सामने आ चुका है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो भाई 7 5.7 देखो 5.75 ओ प्लस 5/7 मल्टीपल ऑफ 28 ऑफ 28 माइनस के 4.5/3/4 ऑफ बिन ब्रैकेट 15.8 माइनस के 3.4 प्लस के 5 मल्टीप्लाई में 2.39 हमारे पास ये हमारे पास दिया गया। देखो भाई सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसकी बार को क्वेश्चन दिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखो भैया बोर्ड मास रूल का यूज करेंगे 5.75 प्लस के
सात से हमने डिवाइड किया, सात गुणा चार हमने डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 20 माइनस के 4.5 अपॉन में। अब यहाँ पे 3/4 सीमा से लेते हैं, गुणा करते हैं, इसमें से हमने किया 12.4 बज गए, 12.4 बज गए, प्लस से कितना हो गए 11, अच्छा 5 × 45 का 5 का 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 19 का 5 × 45 का 5 का हो गया 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 19 हो गए, 15 × 5 = 10 = 11, 11.95 हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है भैया, 15 × 5 = 15 = 19, 19 = 21, 11.95 इसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं। अब देखो इसमें से हम जोड़ा 25.75 हो गए, 5 हमारे पास चले गए तो 21.75 तो आएगा ये ऊपर मल्टीपल करें। अब 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4, 3.1 ही होगा, तो 3 × 3 = 9.3 प्लस 11.95 आएगा ये हमारे पास। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 21.75 अपॉन में 3 × 11 = 11, 20 = 21.75 आएगा हमारे पास, ये 21.75 हमारे पास सेम वैल्यू है, तो ये इससे कट गया, कितना आएगा आंसर इस क्वेश्चन का जो